आज का हमारा नया नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा तीसरे फार्मूला पे रहेगा। तीसरा फार्मूला मैं दो फार्मूला पे बता दिए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और दूसरा जो था वो हमारा सेक्शन फार्मूला पे था, और तीसरा जो रहेगा वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल पे रहेगा। एरिया ऑफ, पहला हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दूसरा जो हमारा है वो किस पे है, सेक्शन फार्मूला पे है, सेक्शन फार्मूला। पहला का फार्मूला क्या था, सेक्शन फार्मूला एम एक्स टू प्लस एम एन एक्स वन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। ये वाला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन, और ये हो गया और एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस। तीसरा हमारा क्या है, आज हमारा किस पे रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। इसका फॉर्मूला है वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू प्लस, यहां पे एक्स टू हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। तो आज ये रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। वन बाय टू फॉर्मूला याद रहेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस फॉर्मूला में पुट करते चले जाना है। ये हो गया, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमारा क्वेश्चन ऐसा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी हूज वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है आर वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, टू सेवन, बी कितना है, थ्री माइनस वन, और सी कितना है, माइनस फाइव और सिक्स, माइनस फाइव सिक्स। ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया ए बी सी, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब इसमें जो है ना क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है वन बाई टू बेस इनटू हाइट, लेकिन ये तो नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोला हमें, वर्टिसेस निकालने के लिए, निर्देशांक के लिए।
तो इसको आप सॉल्व करते हुए, सबसे पहले ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे अब x1 वैल्यू निकाल लेंगे, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -1, y3 का वैल्यू 6, ये हो गया। अब 1 by 2 x1 2 y2 माइनस, फॉर्मूला क्या हमारा ये फॉर्मूला y2 माइनस y3, y2 कहां ये -1 और y3 6, ये हो गया प्लस। अब x2 क्या वैल्यू 3, y3 माइनस y1, y3 कितना है 6, y1 7, x3 का वैल्यू कितना है -5। y1 माइनस y2, y1 कितना है 7, y2 कितना है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस 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 7, ये कितना हो गया प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 8, टू सेवन जा 14, थ्री वन जा 3 माइनस में, 5 एट जा 40, 40। अब ये माइनस 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 प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, यहां पे कितना हो गया माइनस 57। माइनस 5 इसको मोड में कर देंगे, इसको क्या कर देंगे मोड में कर देंगे, कितना हो गया 57 बाय 2, ये हो गया प्लस ना मोड में कर देंगे। चलो ठीक है, लिख लेते हैं।